दोस्तों को, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे इन सारे वीडियोस को इतना लाइक करा, मैनी मैनी थैंक्स। अब उसी के हिसाब से मेरे पास बहुत से मैसेज आए थे, मेरे व्हाट्सएप पे भी आए थे, मेल पे भी लोगों ने डाले थे इनको मालूम था। कि वर्मा जी आप वो टॉपिक बताइए जिसमें इन्वेंट्री की शार्ट है, तो अब ये हमारा जो आज का जो वीडियो स्पेशल जो मैंने डिजाइन कराया है, जो बनाया है, वो इन्वेंट्री पार्ट को लेकर है। तो इन्वेंट्री पार्ट का मतलब होता है कि स्टॉक को, कि जहां पर आप अपने अलग अलग टाइप के अपने स्टॉक को बना सकते हैं। तो ये आज मैं केवल डिक्लेरेशन बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपनी टैली में डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कितने प्रकार के लगभग हमारे आइटम हो सकते हैं। अगर एक ही आइटम हमारे पास अलग अलग ग्राम का है तो उसके कितने आइटम बनेंगे। जैसे कि पायल, हो सकता हो कोई पायल का सेट हमारा 35 ग्राम का और दूसरा 55 ग्राम का हो, तो क्या 35 और 55 ग्राम के अलग अलग बनेंगे। तो अब ये चीज हम, मैं आपको टैली में पूरा दिखा दे रहा हूँ समझाकर कि कैसे हम लोग इन आइटम्स को बनाएंगे। और इसके बाद का जो मेरा अगला वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, वो बनाऊंगा इसके साथ कि कैसे हम इन आइटम को खरीदते हैं, कैसे इन आइटम को बेचेंगे, और इनके साथ हम कैसे GST को इस्तेमाल करा जाएगा। तो वो वीडियोस भी मेरे सिक्वेंस में लगे हुए हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, लेट्स स्टार्ट करते हैं कैसे हम आइटम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी कंपनी बना लेते हैं। इसके लिए सारे मेरे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं जो आप लोग देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग आइटम को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग जाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर देखिए जो सामने ऑप्शंस आते हैं, इन ऑप्शंस में सामने आपके आता है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन ये तभी आती है जब हम लोग टैली में कंपनी बनाते हुए अकाउंट्स विद इन्वेंट्री पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम लोग इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर अगर आप देखें तो एक मिलेगा स्टॉक आइटम और एक होता है यूनिट्स ऑफ मेजर और एक होता है स्टॉक ग्रुप। हमें ग्रुप कुछ नहीं बनाना है, आइटम बनाने हैं, पर आइटम से पहले नंबर वन पार्ट होता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के लिए। अगर हमने इसको नहीं बनाया तो हम टैली में जो भी आइटम बनाएंगे टैली उसको एक्सेप्ट कर तो लेगा, पर वहां पर कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा कि वो नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट में यहाँ पर जाएंगे, इसमें क्रिएट करेंगे अपने यूनिट, हम किस नाम की यूनिट रखना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास चाहे ईयर रिंग हो, चाहे रिंग हो, बैंगल्स हो, नोज रिंग हो, नेकलेस हो, ये सब हमारे पास अगर देखें तो ये पीसेस में होती हैं और पीसेस के साथ में ग्राम भी होते हैं। जैसे कि अगर कोई हमारे पास कड़े हैं तो कड़े भी हमारे पास क्या होते हैं, जोड़ी में होते हैं, मतलब कि 2 पीस। अब हो सकता है वो 2 पीस का जो वजन हो वो 15 ग्राम हो, तो ये भी पॉइंट हो सकता है। तो अब ये जो पजल होती है इसका सोल्यूशन मैं आपको पूरा दे रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अगर कहीं भी स्किप किया तो आगे के जो स्टेप्स हैं वो आपके मैच नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें पूछता है सिंबल, तो सिंबल मतलब कि पीसेस का शॉर्टकट क्या है। तो हमारे पास बिजनेस में हम यूज करेंगे सिंबल पीसेस, PS। फॉर्मल नेम का मतलब होता है कि PS का फुल फॉर्म क्या है, तो PS का फुल फॉर्म होता है पीसेस, तो पीसेस आप डाल दीजिए। तो पीसेस जो नीचे हम टाइप कर रहे हैं ये पार्ट एक प्रकार का टैली में ऑप्शनल पार्ट है। अगर आप यहाँ पर लिखें या ना लिखें कोई जरूरी नहीं है, बट सिंबल में जो आपने लिखा है यहाँ पर ये कंपलसरी होता है। अब होता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो पीसेस जो होते हैं हमारे राउंड अप में चलते हैं, 1 पीस 2 पीस, 1.5 ढाई 2.5 तो हमारे उनके बिजनेस में होते ही नहीं है। तो जो भी लेगा पायल या तो 2 पीस लेगा मतलब जोड़े से, रिंग लेगा तो 1 पीस लेगा, यहाँ तो नहीं सकता कि आधी रिंग दे दो या 1.5 रिंग दे दो। तो इसके लिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हमारे 0 होंगे, तो यहाँ पर 0 लेके चलेंगे, मतलब कि हम लोग जो काम करेंगे वो राउंड अप में। डन करा, एंटर करके ये चीज हमारी बन गई, अब स्केप से बाहर निकल आए। अब आते हैं इसी के पास, देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा होता है स्टॉक आइटम्स। अब जितनी भी हमारे पास आइटम है उन आइटम्स को हम लोग एक एक करके इस ऑप्शंस के थ्रू डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे गए, क्रिएट ऑप्शन आया, एंटर किया, यहाँ से हमारे पास जो आइटम की लिस्ट है वो आपको यहाँ पर टाइप करनी पड़ेगी। अब जैसे कि सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है कि अब आप लोग तो बिजनेसमैन है, मैं तो काम छोड़ दिया, मैं तो अब एजुकेशन सेक्टर में जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर पिछले करीब 21 साल से तो यही काम कर रहा हूँ। अब जो मेरे पास आइटम्स है जितनी मैंने अपनी समझ से बनाए हैं वो आइटम्स आपके सामने दे रहा हूँ। जैसे कि नंबर वन पे हमारे पास आइटम है रिंग। अब रिंग हमारे पास सपोज 12 ग्राम की है, तो 12 ग्राम यही लिख दीजिए, तो ये आइटम का पूरा नाम हो गया रिंग 12 ग्राम। क्योंकि आप भी यही बोलते होगे कि रिंग निकालो 12 ग्राम वाली, रिंग निकालो 10 ग्राम वाली, तो ये पूरा जो चीज है पार्ट ये एक आइटम का नाम हो जाएगा। एलियास मतलब इसका सेकेंडरी नेम, तो ये ऑप्शनल पार्ट है, हमारे पास कोई इसका कोट सेकेंडरी नेम नहीं देना है। यहां पर आता है अंडर, अंडर में हमेशा प्रोडक्ट अभी हमारे प्राइमरी में आएंगे। यहाँ होते हैं यूनिट्स, यूनिट्स कंपलसरी है, तो ये चीज हमारे पास क्या होगी पीसेस में।
अब इतना समझ लीजिए, 12 ग्राम की रिंग का मेजरमेंट हमेशा पीसेस में है, और वहां यहां पर कहीं पर भी कुछ भी आपको टाइप नहीं करना है, बस आइटम का नाम और यूनिट्स केवल सिलेक्ट कीजिए, आपका आइटम बन जाएगा। अब जैसे रिंग हमारे पास 10 ग्राम की भी है, तो रिंग 10 ग्राम यहाँ लिखेंगे और अंडर प्राइमरी, और यहाँ पे लेंगे पीसेस, ऐसे करके इस एंट्री को पास कर देंगे। तो वन बाय वन ऐसे हमारे पास जितनी भी एंट्री हैं, हम उन एंट्री को यहाँ पर बना लेंगे। जैसे कि ये हमारे पास हो गई इयर रिंग्स के बाद में होते हैं बैंगल्स, सपोज 15 ग्राम का कोई सेट हो, ठीक, ये पीसेस में आ गए। बैंगल्स सपोज हमारे पास कोई 20 ग्राम का सेट हो तो 20 ग्राम लिख दीजिए। तो टैली में जब भी देखेंगे, जब हम लोग इसको परचेस करेंगे, तो ये स्टॉक में हमको ये अलग से दिखाएगा कि 20 ग्राम का एक पीस रखा है, 15 ग्राम के 5 पीस रखे हैं, जब इनको हम लोग परचेस करेंगे। अब हमारे पास आ रही है नोज रिंग, तो नोज रिंग में हमारे पास सपोज 2 ग्राम, अगर हो सकती है इससे बड़ी हो तो आप उसको भी डिफाइन करेंगे इसी प्रकार से, तो नोज रिंग भी हमारे पास हो गई। ऐसे नेकलेस हो गए, हो सकता है नेकलेस स्मॉल साइज का भी हो, सपोज स्मॉल वाला 40 ग्राम का हो, तो पूरा आइटम का नाम हो जाएगा नेकलेस स्मॉल 40 ग्राम, ऐसे ये भी पीसेस में होगा। ऐसे होगा नेकलेस सपोज बिग साइज के हो, कोई भी नाम हो जो आपका ब्रांड हो, वो कर दिया ग्राम, उसके सामने मेंशन कर दिया कि सपोज 85 ग्राम। ये पीसेस में ऐसे करते करते जितनी भी हमारे पास आइटम्स हैं वो हम सब बनाएंगे, से एंकलेट्स मतलब कि पायल कह सकते हैं आप। तो अगर इसके भी आपके ग्राम हो, कि जैसे कि कोई आपकी एंकलेट्स हो पायल जैसे कि 80 ग्राम की हो, तो आप उसको यहाँ बना सकते हैं। कोई आपकी कम वजनी हो, 60 ग्राम का भी कोई सेट हो, तो उसको ही बना सकते हैं। तो ये चीज आपको इसमें मेंशन करनी होगी इस प्रकार से। अभी पूरी लिस्ट हमारे सामने बनती जा रही है। ऐसे होता है टॉयरिंग, तो टॉयरिंग में हमारे पास बिछिया कहते हैं आई थिंक, ठीक, तो बिछिया भी हमने बना दिए। तो जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं, हम जितनी चीज़ें हम लोग सेल करते हैं, एक बार आपको टैली में डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये डिक्लेरेशन है, तभी हम इन आइटम को खरीद पाएंगे और इन आइटम को बेच पाएंगे। जैसे कर्दनी हो गई, हो सकता हो बड़ी हो, 250 ग्राम की हो, तो मेंशन कर दिया। ऐसे आर्मलेट्स, ये भी आपके प्रकार कड़े होते हैं, तो बैंगल्स में आपकी चूड़ी हो गई, ये आपके कड़े हो गए, अगर इनके भी कोई ग्राम्स हो ऐसे मेंशन कर सकते हैं। अभी जितने भी आपके आइटम बने, एक बार से बाहर निकलिए, यहां पर देखिए डिस्प्ले लिस्ट होती है, यहां पर एंटर करेंगे, यहां से पूरी लिस्ट टैली आपको दिखा देगा। तो ऐसे कैसे करते, जितने भी आपके पास आइटम है, आपको सारे आइटम एक एक करके आपको यहाँ पर बनाने हैं। अगर आपके पास पायल 15 प्रकार की हैं, तो 15 प्रकार की पायलों को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा उसके ग्राम के हिसाब से। अगर आपके पास जितनी भी प्रकार की हम लोग चूड़ियाँ होती हैं, उतने ग्राम के साथ उनको मेंशन कीजिए। जितने प्रकार के आपके पास अंगूठियाँ हैं, उनको मेंशन जरूर कीजिए, ठीक है। डायमंड रिंग्स हो उसको अलग मेंशन कीजिए, सिल्वर रिंग हो उसको अलग मेंशन कीजिए, उतने प्रकार के आपके आइटम बनेंगे। तो ये आइटम्स का मेजरमेंट ही एक प्रकार का होता है कि जब हमारे पास ये लिस्ट पूरी बन जाती है, इसके बाद का जो अगला पार्ट, जो चरण जो होता है, वो होता है एंट्री का। तो एंट्री वाला पार्ट समझाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, तो वो हमारे लिए, मैं उसके लिए अगला वीडियो जो मैं अभी लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से जो एक ईजी एग्जाम्पल होगा, जहाँ पर मैं आपको इन्हीं आइटम्स की खरीद करके, इन्हीं आइटम को दोबारा बेच कर और स्टॉक को आपको शो करके आपको टैली में पूरा वहां पर दिखा दूंगा। तो आप एक एक पैसे से अपनी चीजों को मिला सकते हैं, जो आपका उस समय का जो भी गोल्ड आपने परचेस रख करा होगा, उस रेट के हिसाब से जो भी आपकी कॉस्ट होगी, उस रेट से आपको पूरा निकाल के दे देगा, ठीक। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि सपोज हमारे पास स्टॉक अगर बचा हुआ है, सपोज सारा सोना अगर हमने मिला के रख लिया कि हमारा कुल सोना सपोज 250 ग्राम का है,
और 250 ग्राम का सोने की खरीद सपोज हमारे 32,000 के भाव से हमने खरीदी थी, और आज हम उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं, सपोज आज का वैल्यूएशन हमारे पास 53,000 रुपये का है जो हमारे पास आज का भाव है, तो उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी? तो वो वैल्यूएशन भी हो जाती है। तो वो वैल्यूएशन कैसे होंगी, ये हमारे पास लास्ट के टॉपिक होंगे, जब मैं आपको टैली में करे हुए काम को फाइनलाइज करना बताऊंगा, जब आपकी बैलेंस शीट पूरी फाइनल होगी। तो मेरे फ्रेंड्स, जितने भाइयों, जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इसको पहले बात, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो शेयर और प्लस फॉलो जरूर कर दीजिएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, वहाँ में बहुत सी वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक, तो उसको भी जरा ग्रुप में लीजिएगा। और कोई भी अगर आपको डाउट्स या प्रॉब्लम होती है अपने बिजनेस को लेकर, तो आप मेरे को मैसेज डाल सकते हैं, मैसेज मेरे पास आ जाता है। अगर आप वहाँ पर वीडियो खोल के देखें तो कहीं ना कहीं लिंक में व्हाट्सएप के लिए लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ मैसेज टाइप करेंगे, वो मैसेज मेरे पास ही आएगा और मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर आप मेरे से जुड़ जाएंगे तब भी आप मैसेज डाल सकते हैं, तब भी मैसेज मेरे पास होंगे, तो डायरेक्टली मैं आपसे चैट करके आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।